हे गाइस, आज की वीडियो में बात करते हैं हॉर्नेट 2.0 के बारे में। मतलब बेसिकली 2 महीना हो गया इसको लॉन्च हुए एंड बाइक ओवरऑल देखते तो लुक्स काफ़ी अच्छे लगते हैं एंड बाइक थोड़ा सा लाइट वेट हो गई है पिछले मॉडल की अप्रॉक्स देखा जाए तो। एंड यहाँ पे आप मीटर देख सकते हो, मीटर भी काफ़ी लुक अच्छा लगने लगा है। मतलब कि पहले वाला मीटर था बट इसमें जो डिस्प्ले को सेट किया हुआ है ना, ये थोड़ा सा डिज़ाइन अच्छा लगता है। मतलब इसमें कुछ अपडेट्स वगैरह तो नहीं है, ब्लैक एंड वाइट जैसे पहले आता था वैसा ही है। बट इसकी हेडलाइट में काफ़ी ज़्यादा मतलब कि डिज़ाइन चेंज किया हुआ, RTR 160 की तरह लगता है थोड़ा सा। एंड LED की बात करें जो इसके इंडिकेटर्स हैं, LED इंडिकेटर्स हैं और एक बल्ब लगा हुआ है तो उसकी वजह से देख सकते हो शायद यहाँ पे कॉन्स बोल सकते हो। मतलब थोड़ा सा मतलब अगर एक दो बल्ब और होते हैं इंडिकेटर्स में तो शायद ज़्यादा ब्राइटनेस होती, बट कोई नहीं, सह लेंगे। तो बाइक ओवरऑल काफ़ी सही लगती है बट नेकेड बाइक के हिसाब से इसके अप साइड डाउन फोक्स जो आगे के दिए हुए हैं, सस्पेंशन काफ़ी अच्छे हैं। बट जो यहाँ पे ग्राफिक्स वगैरह की बात करते हैं और होंडा का देख सकते हो ब्रांडिंग मिल जाएगी आगे हेड पे एंड ये देख सकते हो होंडा हॉर्नेट लिखा हुआ है। तो टैंक पे जो हॉर्नेट लिखा हो शायद इसको ऊपर होता, ग्राफिक्स चेंज होता तो शायद काफ़ी लुक अच्छा आता। एंड टैंक देख सकते हो सेम पिछली बार की तरह जैसे पहले आता था। बट इसका जो 2.0 का वर्जन आया ना, थोड़ा सा इसका लुक भी काफ़ी से अच्छा है। बट जो आप देख सकते हो इंडिकेटर्स पीछे लगे हुए हैं, अगर टेल डाइडी अगर इसमें जिक्सर की तरह दी होती कि सामने की एक मतलब एक रिंग या प्लास्टिक टाइप में होता है उसको हटा दो तो नेकेड थोड़ा सा टेल डाइडी छोटी लगती है। एंड 2.0 की यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाएगी, इसके ऊपर जस्ट आपको मिल जाएगा बारकोड एज अ बाइक, शायद सेल जब हो इसका बिल बने शायद उसको यूज़ किया जाए, शायद जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है शायद इससे स्कैन करके आए। और बाइक देख सकते हो ओवरऑल मतलब सेम है पूरा डिज़ाइन। और इसके देख सकते हो अलॉय चेंज किया गया है, अलॉय काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, मतलब पहले से तो अच्छे लग रहे हैं बेटर। एंड ABS है, मतलब ये 6 मॉडल है तो ABS तो आना ही था। एंड मैक्सिस के टायर लगे हुए हैं 110, 70, 17, मतलब पूरा डिज़ाइन है उसका। एंड मतलब जो इसका ब्रेक है, डिस्क ब्रेक काफ़ी अच्छा लगता है, वाइब्री का है। मतलब इस मॉडल में जितने भी सेगमेंट में 1.5-2 लाख के आसपास बाइकें आती हैं सब में वाइब्री की ब्रेक लगी होती है। एंड हॉर्नेट ने एक नई चीज़ शायद इसको करना चाहिए था कि थोड़ा सा जो काउल लगा है टैंक पे वो थोड़ा सा चेंज करता है उसका डिज़ाइन वगैरह तो काफ़ी अच्छा लगता। एंड यहाँ पे देख सकते हो गोल्डन कलर का सस्पेंशन है तो काफ़ी अच्छा लगेगा, मतलब दूर से ही थोड़ा सा नेकेड टाइप में फील आ जाएगा। एंड यहाँ पे और साइड में देख सकते हो साइड से ओवरऑल बाइक इस तरह लगेगी। एंड पीछे देखोगे तो पीछे भी लुक सेम तरह से दिया हुआ है हॉर्नेट का, मतलब X जो आता है। एंड टायर भी पीछे देख सकते हो 140 है, 70 का टायर है। मतलब मैक्सिस ने इस बार टायर, शायद मैक्सिस के टायर ज़्यादा बेस्ट हो हॉर्नेट के लिए इसलिए मैक्सिस के टायर इसमें पड़े हुए हैं। एंड पिछली बार MRF का आता था जो कि टायर R15 में कंपनी देती थी, वही टायर इस बार यूज़ किया गया है 140 का, मतलब 140 70 का। और काफ़ी बाइक रिलायबल लगती है, मतलब अलॉय व्हील्स काफ़ी चेंज हो गए हैं, अलॉय चेंज किया गया डिज़ाइन एंड इंडिकेटर्स चेंज किए गए हैं, आगे की हेडलाइट चेंज की गई है और एग्जॉस्ट वगैरह सेम है देख सकते हो। पीछे से कुछ लुक ऐसा आएगा, बस इस पर मडगार्ड नहीं है, मडगार्ड होता तो शायद कुछ ज़्यादा सेफ्टी होती कि कीचड़ में प्रॉब्लम ना होती बाइक चलाने में। एंड देख सकते हो ये ओवरऑल इसका पूरा बैनर लगा हुआ है हॉर्नेट 2.0 फ्लाई अगेंस्ट द विंड, तो लुक अच्छे हैं, बाइक भी काफ़ी अच्छी है एंड लाइट वेट लगती है पिछली बार से, मतलब यंगस्टर से कॉलेज लाइफ लड़कों के लिए काफ़ी सही बाइक है। एंड बस आज की वीडियो में इतना ही, बाइक ओवरऑल अच्छी है, कम मतलब 1,30,000 के आसपास आती है। सो बस वीडियो इतना ही था, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना